आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। प्रदेश सरकार ने बढ़ाया आंशिक कर्फ्यू का समय, अब 6 मई की सुबह 7 बजे तक लागू रहेगा आंशिक कर्फ्यू। आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर बंद रहेंगी सभी दुकानें, बाहर निकलने पर रहेगा पूरा प्रतिबंध। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना का कार्य सोमवार की रात 9 बजे तक 90% हुआ पूरा, मंगलवार की सुबह तक पूरा रिजल्ट आने की है उम्मीद। बांसगांव थाना क्षेत्र के बसौली खुर्द में खूंटा गाड़ने को लेकर दो पक्षों के बीच हुआ जातीय विवाद, एसपी साउथ ने कहा स्थिति सामान्य, दोषियों पर की गई विधिक कार्रवाई। कोरोना संक्रमण के मृतकों को अंत्येष्टि स्थल तक पहुंचाने के लिए नगर निगम ने मुहैया कराया 6 एम्बुलेंस, 1500 रुपए निर्धारित किया किराया। नगर आयुक्त ने कहा गरीब असहाय बीपीएल कार्ड धारकों को मिलेगी निःशुल्क सुविधा। जनपद में लगाए गए लॉकडाउन का नागरिकों से नहीं मिल रहा पूरा सहयोग, सड़कों पर दिख रही चहलकदमी, जब जनता होगी जागरूक तभी लग सकेगा कोरोना पर लगाम। गोरखपुर में सोमवार को मिले 1258 नए कोरोना संक्रमित मरीज, 3 की हुई मौत। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 44,220। अब तक 469 कोरोना संक्रमित मरीज गंवा चुके हैं अपनी जान, 9,110 हो गए एक्टिव मरीज। सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने की पुष्टि। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए चरगावा ब्लॉक पर दूसरे दिन भी जारी रहा मतगणना, सुरक्षा व्यवस्था के साथ प्रधान पद सदस्य, ग्राम पंचायत, बीडीसी एवं जिला पंचायत सदस्यों के मत पत्रों की हुई गिनती। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम फाइनेंस ने कहा 15 विकास खंडों की पूरी हो चुकी है मतगणना, देर रात तक पूरा सम्पन्न हो जाएगा मतगणना का कार्य। जनपद में लगाए गए लॉकडाउन का सोमवार को भी रहा कुछ असर, एडीएम सिची ने कहा जनता घरों में रहकर कर रही है लॉकडाउन का पालन। जनपद में जिला अस्पताल सहित 10 केंद्रों पर 18 साल से ऊपर के नागरिकों का शासन के निर्देश पर किया गया वैक्सीनेशन, 45 साल के ऊपर के 5189 और 18 साल के ऊपर के 1792 लोगों को लगी वैक्सीन। नागरिकों ने कहा नहीं हुई कोई दिक्कत, अपनी बारी आने पर अवश्य कराएं वैक्सीनेशन। नगर निगम द्वारा बड़े पैमाने पर कराए गए सैनिटाइजेशन का कार्य, नगर आयुक्त ने कहा कि निगम की लगभग 55 गाड़ियों से 70 वार्डों में किया गया सैनिटाइजेशन। और कोरोना संक्रमण पर प्रभावी लगाम लगाने के दृष्टिगत लगाया गया नाइट कर्फ्यू का सोमवार को भी देखने को मिला असर, सीओ कैंच ने कहा जनता का मिल रहा है नाइट कर्फ्यू में पूरा सहयोग।